मम्मी जी, गर्मियों की छुट्टियों में मुझे घर जाना है। तो बेटा अब तक क्या आप जंगल में रह रहे थे? सरोज, मतलब मायके जाना है। ये लो, तुम्हारे दोस्त का कॉल है। अगर बुलाए तो बिल्कुल मना कर देना और बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, अभी कहाँ है? घर पे। चल जल्दी से मेरे पास आ जा। अरे मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने तो बोतल ले रखा था यार, सोचा दोनों भाई साथ में बैठ के पियेंगे। देख भाई, मेरे पास टाइम तो बहुत है। हाँ? पर मेरी बीवी ने ही मना कर रखा है घर से बाहर जाना। तो फिर अब कैसे करें? ऐसा कर, तू ही आ जा। आपने तो कहा था कि ठंड खत्म होते ही शराब पीना छोड़ दोगे। हाँ तो छोड़ तो दिया, अब सिर्फ बियर पीता हूँ। ये कब छोड़ोगे? गर्मी खत्म होते ही। बेगम जहाँ तशरीफ रखिए। जी नवाब साहब। ये आज आप खुशबख्ता नजर क्यों आ रही हैं? ऐसी क्या बात है बेगम जहाँ जो आपको परेशान कर रही है? नवाब साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें तलाक देकर आजाद कर दें। बेगम जहाँ, इस कदर नामुनासिब बात आपकी शीरी ज़बान पर आ भी कैसे सकती है? हम तो आपको अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं, आपके हर नखरे उठाते हैं और आपके लिए अपना दिल बिछा के रखते हैं। इस गहरी मोहब्बत के बावजूद भी आपकी ज़बान ऐसे नापसंदीदा और दिल तोड़ने वाले अल्फाज कैसे अदा कर सकती है? अभी तो हमारे निकाह को चंद रोज ही गुजरे हैं और अभी तो हमने आपके हुस्न को सही से निहारा तक नहीं है। नवाब साहब, हर चीज की भी एक हद होती है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। शायद आप हम पर शक करते हैं और यकीन जानिए, शक के साए में हमारा दम घुटा जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम जहां? शक, और वो भी आप पर? खुदा ना करे, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। यहाँ तक कि हम अपनी हीरे और जवाहरातों से भरी तिजोरी की चाबी भी हमेशा खुले में आपके सामने रखते हैं, और ये वही चाबी है जो हमने अपनी दोनों मरुमा बेगमास से हमेशा छुपा कर रखी। नवाब साहब, आपकी बस बातें ही बातें हैं, खुदा का खौफ करिए। ये चाबियां पड़ी जरूर रहती हैं, पर मजा लेके इनमें से एक चाबी भी तिजोरी का मुंह खोल दे। अरे बेगम जहां, शादी शादी शादी, ये टाइम आएगा तो कर लेंगे शादी। मुझे भी कोई शौक नहीं है शादी का, वो तो बस हमारे होने वाले बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है ना, इसलिए। पता है ना, कंपटीशन का दौर है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी कुछ बन पाएंगे। जाजी, मेरी बहन गाय है, गाय। पर उसे गौशाला में छोड़ाते, मेरे साथ क्यों बांधी? गलती पर माफी मांगने वाले को समझदार कहते हैं, समझदार। और बिना गलती के सारा दिन माफी मांगने वाले को हस्बैंड कहते हैं।